जी लो दवाई पी लो। दवाई नहीं पियोगे तो तुम ठीक कैसे होगे? लो। नहीं मैं कोई दवाई ववाई नहीं पीऊंगा। ऐसे नहीं कहते बेटा। ओहो पापा तो शोर के पास से हट ही नहीं रही है। तुम दवाई नहीं पियोगे ना तो तुम्हारे पापा हमें अस्पताल पहुंचा देंगे। जिद मत करो, अपनी दादी की बात मान लो प्लीज। लो तुमने पापा को देखा था ना कैसे गुस्सा कर रहे थे? हैं जी लो पी लो पी लो पी लो आ पी लो। शाबाश हमार मुन्ना हमार बेटा जो है ना बात कुछ तो करना पड़ेगा। अरे दादी शोर को बस दवाई पिलाते रहेंगी या कुछ खिलाएंगी भी? खिलाएंगे नहीं तो इसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हाँ हाँ खिलाएंगे। तुम ज्यादा बड़की अम्मा मत बना करो समझी? आपको कुछ पता भी है दवा के साथ कुछ खाने के लिए भी दिया जाता है। अगर चाची को पता चल गया कि आपने शौर्य को ऐसी दवा दे दी है कुछ खाने के लिए नहीं दिया है तो बहुत गुस्सा होंगे वो। अच्छा और क्या, अब जाइए जल्दी से शौर्य के लिए सूप बना के लेके आइए जाइए। हाँ हाँ ठीक है तुम यही बैठो शौर्य के पास हम सूप बना के आते हैं चलो। हाँ हाँ हम हैं यहाँ अब जाइए। तो दफ्तर चला गया हमारी यहाँ ड्यूटी लगा गया जान आफत में कर देगी हमारी। शौर्य तुम्हें मम्मा की याद आ रही है ना? पता है शौर्य चाची आई थी तुमसे मिलने। क्या मम्मा ही थी मुझसे मिलने के लिए? पर वो मुझसे मिले नहीं। क्या नीचे है क्या? मैं मामा के पास जा रहा हूँ। रुको शौर्य चाची यहाँ नहीं है, चाची चली गई। क्यों मुझसे मिले पे ना चली क्यों गई मामा? चाचू ने चाची को तुम्हारे पास आने ही नहीं दिया शौर्य। चाचू बहुत गंदे, चाचू ने चाची को तुमको देखने भी नहीं दिया शौर्य और चाची का हाथ पकड़ कर घर से बाहर कर दिया और दरवाजा भी बंद कर दिया चाचू ने चाची को बाहर निकाल कर।